नमस्कार दिनर बड़ खबर सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। राज्य में लॉकडाउन शटडाउन न बढ़िया संकेत संक्रमण हार कमुथिबारु जून 17 पर लॉकडाउन हटिपारे कहले स्वास्थ्य निर्देशक कटक भुवनेश्वर उपरे फोकस सेपटे संक्रमितों संख्या कमुची हेले कमुनी मृत्यु संख्या मुंड नुआला ट्विटर सका ब्लूटिक हटेला संध्या देला उपराष्ट्रपति भेंकैया नायडू और आरएसएस मुख्य मोहन भागवत आकाउंट्रु ब्लूटिक हटावा को विरोध सेपटे शेष चेतावनी देला आईटी मंत्रालय युक्त दुई मूल्यायन गठन है विशेषज्ञ कमिटी उभय रेगुलर और एक्स रेगुलर परीक्षार्थी 14 जनिया कमिटी गठन 10 दिन भितर मूल्यायन खसड़ा रिपोर्ट देव कमिटी प्रस्तुत होगा जाऊँगी देशर सबुठ शस्ता टीका दुईट डोज्र दाम मात्र 500 टंका बायोलॉजिकल ई प्रस्तुत कोविड टीका कोर्बेवैक्स चली तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल विश्व परिवेश दिवस में जैव कृषि और जैव ईंधन उपरे प्रधानमंत्री गुरुत्व पुणे रे तीनोटी स्थान में इथानल वितरण स्टेशन शुभारंभ 2025 सुधा पेट्रोल रे 20% इथानल सम्मिश्रण लक्ष्य धार्य पल्लहड़ा विधायक मुकेश पाल दबंगगिरी पतियारा निज दल सांसद महेश साहू को कले असम्मान अतिथि भाव डकैले सांसद पहुंचा पूर्व कोविड सेंटर कले उद्घाटन समर्थक मुहामुखी नीति आयोग रिपोर्ट को नहीं जोर धरला राजनीति राज्य सरकार को बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी पांचटी प्रश्न एसडीजी रिपोर्ट में ओडिशार खराब प्रदर्शन को नहीं बर्षिले जवाब रखिला बीजेपी पुणि खोलीगला पक्का घर प्रतारणार गुमर बलांगीर पुईतलें पाइकनारे महिला नीलगिरी पलिथिन तले बिकुची वृद्धा जीवन राज्य में 38 लक्ष घर मिलला कहा को उत्तर देवे कि पंचायतीराज मंत्री प्रताप जेना देखा संपूर्ण खबर राज्यवासी को मिलिपे सामान्य आश्वस्ति जून 17 पर दरकार पड़न पर लॉकडाउन कटकणा एभली किसी आकलन कर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेपटे गत 24 घंटार निम्नगामी संक्रमण हार को देखि आगक लॉकडाउन कटकणा कोहल करे सूचना देखिए स्वास्थ्य विभाग अनलॉक हो पारे ताला बंद राज्य हटिपे लॉकडाउन कटकणा आगक खसी पारे पॉजिटिविटी रेट एवं चिंतार कारण मृत्यु संख्या खसुची कोरोना ग्राफ 24 घंटे चिह्नट होती 7395 आक्रांत पॉजिटिविटी रेट भी कमुची जून 1 तारीख में राज्य में कोविड संक्रमण हार 14.02% जून 2 तारीख को ह्रास पाई 12.59% को आसी आज स्वास्थ्य विभाग देखा तथ्य अनुसार 10.51% को खसी आसी राज्य में पॉजिटिविटी रेट यहीपर भाव में संक्रमण हार कमी चलिए आगक धीरे धीरे लॉकडाउन कोहल स्वास्थ्य निर्देशक आज 70,000 प्लस टेस्टिंग रे आमर 7,000 के 10.5% अराउंड आसूँ आम जमी कहले सबुद किसी कमे देखुचे तेनालीटा गोटे आश्वस्तिर जिनस बोधे आम येट्रे गले मस शेष सुधा प्रथम भल स्थित कोहल ग्राजुअली कोहल राज्य में जून 17 जाए रही लॉकडाउन कटकणा समय मध्य पॉजिटिविटी रेट तल को खसी पखापाखि 5% पहुंची जाइए तेणु आगक अधिकांश स्थान में लॉकडाउन आवश्यक पड़ न पारे हुए तो किसी स्थान में कटकणा जारी रही पारे विशेषकर खोर्धा और कटक टिके अधिक रही संक्रमण तेणु यही स्थान में हुए तो किसी कटकणा आवश्यक पड़े किंतु लोके सचेतन रहिले राज्य में अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हो स्वास्थ्य विशेषज्ञ आकलन करिछन्ते
प्रेजेंट लॉकडाउन सरला बेलू आम 5% किसी पाखापाखी आसी जाइ तेणु आमर हूँ लॉकडाउन एक्सटेंशन दरकार न पड़ पारे मेजोरीटी ऑफ द जगार केवल जदि कि सिलेक्टेड जगार जदि आम पॉजिटिविटी हार 10 रु ऊपर रहतु सिलेक्टेड से केतरा जगार रेस्ट्रिक्शन होता है कंटिन्यू कर राज्य में एप्रिल रु कोरोनार द्वितीय लहर आरंभ है आई आसला एक बड़ विपर्यय मे मस दैनिक संक्रमण ठारू आरंभ कर मृत्यु संख्यार भी नुआ नुआ रेकर्ड सामना को आसी एवं हूं तो संक्रमण हार कमुची सिना किंतु मृत्यु संख्या कमुना 24 घंटे कोविड नहीं 40 जीवन भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन दीपक प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एजाए कोविड टीका नहीं ना व्यक्ति खुशी खबर खूब शीघ्र भारत को आसवाक जाऊँगी बजार को आसवाक जाऊँगी देशर सबुठ सस्ता टीका डोज पिछा मूल्य रहीपे मात्र 250 टका दुईट डोज कोविड टीकार दाम हो पारे 500 टका एमती भारत सबुठ सस्ता टीका प्रस्तुत करने को जाऊँगी हैदराबाद फार्मा कंपानी बायोलोजिकल ई लिमिटेड प्रस्तुत होगा देशर सबुठ सस्ता टीका दुईटी डोज्र दाम मात्र 500 टका सर्वनिम्न 400 टका को कमिबार संभावना बायोलोजिकल ई प्रस्तुत करुछि कोविड टीका कोर्बेवैक्स टीकार चली तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल एजाए कोविड टीका नहीं ना व्यक्ति खुशी खबर खूब शीघ्र बजार को आसवाक जाऊँगी देशर सबुठ सस्ता टीका डोज पिछा मूल्य मात्र 250 टका दुईटी डोज कोविड टीकार दाम 500 टका एमती भारत सबुठ सस्ता टीका प्रस्तुत करने को जाऊँगी हैदराबाद फार्मा कंपानी बायोलोजिकल ई लिमिटेड तेबे कंपानी द्वारा प्रस्तुत दुईटी टीकार मूल्य आहुरी मध्य कमिबार संभावना रही कंपानी तरफ एजाए विधिबद्ध भाव में टीकार मूल्य घोषणा हो नथिले मध्य मूल्य आहुरी कम हो 400 टका पर्यंत जाईपरे बोली जनापड़ी बायोलोजिकल ई द्वारा प्रस्तुत होगा कोविड टीका कोर्बेवैक्स एवं तृतीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल चली रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड ही टीका को आउ किछि दिन परे हुए तो इमरजेंसी व्यवहार पई मिली पारे सरकारी अनुमति ई कंपनी तरफ 30 कोटी डोज रो टीका उत्पादन करा जिवो बोली किछि दिन तले केंद्र सरकार को तरफ घोषणा करा जायतिला पूर्वरु कोर्बेवैक्स प्रथम और द्वितीय पर्याय क्लिनिकल ट्रायल रो फलाफल बेस संतोषजनक रहितला एबे चालीथिबा तृतीय पर्याय ट्रायल मध्य आसनरूपक फल देव बोली आकलन करा जायछि सबु ठीक रहिले आसंता एक मास किंबा 2 मास मध्यरे टीका को सार्वजनिक टीकाकरण रे शामिल करा जाई पारे सरकार को देइथिबा प्रतिश्रुति अनुसारे टीका उत्पादन मध्य वृद्धि करबाकु लक्ष्य रखिछि कंपनी बायोलोजिकल ई द्वारा प्रस्तुत टीका को गवेषणा रे सहाय्य करूछि अमेरिकार बेलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन केवल एही कोर्बेवैक्स टीका नुहे बरं कानाडार एक कंपनी प्रोविडेंस थेरापिटिक्स होल्डिंग्स सह मिसी बायोलोजिकल ई प्रस्तुत करबाकु जाउछि एमआरएनए टीका पीटीएक्स कोविड 19 बी 2022 रे 100 कोटी एही प्रकार टीका उत्पादन करबाकु योजना रखिछि कंपनी एहार मूल्य केते रहिबो एजाए जणा पड़िनि एबे देशरे टीकाकरण रे शामिल होइतिबा टीका कोविशील्ड 2 डोज रो दाम राज्य सरकारक पई 600 टका एवं घरोई कंपनी पई 1200 टका थिबा बेले कोवैक्सिन रो दाम रहिछि यथाक्रमे 800 एवं 2400 टका रूस रो आसीथिबा टीका स्पुटनिक रो शॉर्ट पिछा दाम रहिछि 995 टका बायोलोजिकल ई कंपनी प्रस्तुत करूथबा टीका कम मूल्य रे मिलिले एहा देशर टीकाकरण को आहुरी अधिक बल जोगाइबो बोली आशा करा जाउछि ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। आपण देखुन दिनर बड़ खबर समय होइछे एक ब्रेक रो ब्रेकफास्ट स्वागत विश्व परिवेश दिवस रे जैव कृषि और जैव ईंधन को प्रधानमंत्री गुरुत्व ए अवसर आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे जोगदे देशर इथानल उत्पादन और वितरण उपरे गुरुत्वारोप करिछेंति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एथरे 2020-25 पई इथानल मिश्रण उपरे विस्तृत रोडमैप ने प्रस्तुत रिपोर्ट सहित बीआईएस निर्धारित इथानल मिश्रित E12, E15 और E20 विज्ञप्ति उन्मोचन होइछे एथरर थीम परिवेश पई जैव ईंधन विषय रे चासिंग को सहित आलोचना करिछेंति प्रधानमंत्री विश्व परिवेश दिवस रे जैविक चासकु मोदी गुरुत्व
ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଲେ ସୁନାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ। 2030 ନୁହେଁ 2025 ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ସମିଶ୍ରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ। 11ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଦେଶରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ପାଇଁ ପୁଣେରେ E100 ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଚାଷୀ କିପରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କାମ କରିବେ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଚାଷ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦେଶରେ ଇଥାନଲର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ପେଟ୍ରୋଲରେ 20% ଇଥାନଲ ସମିଶ୍ରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 2014 ଯାଏଁ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରଣ ମାତ୍ର 1.5% ଥିଲା, ଏବେ ଏହା 8.5%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2013-14 ଦେଶ 38 କୋଟି ଲିଟର ଇଥାନଲ କିଣିଥିଲା, ଏବେ ଏହା ବଢ଼ି 320 କୋଟି ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇଥାନଲ କ୍ରୟରେ 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦେଶର ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛି। ହମାରେ ଗନ୍ନା କିସାନଙ୍କୁ ଇସେ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଆ ହେ। ବର୍ଷ 2025 ତକ ଜବ ପେଟ୍ରୋଲ ମେ 20% ଇଥେନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ହୋନେ ଲଗେଗି ତ ଆପ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗା ସକତେ ହେଁ କି କିସାନୋଁ କୋ କିତନି ବଡ଼ି ମାତ୍ରା ମେ ଅଏଲ କମ୍ପାନିଓଁ ସେ ସିଧେ ପୈସେ ମିଲେଙ୍ଗେ। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପୁଣେର 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଇଥାନଲ ସହ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ E100 ବିତରଣ ଷ୍ଟେସନର ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ ଇଥେନଲ କା जो नया निर्णय करेंगे वो बहुत ही प्रेरणादायी होगा, ऐतिहासिक होगा। और इलेक्ट्रिकल कार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। परिवेश सुरक्षा प्रसंग रे एबे सारा विश्व रे भारत तार एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि पारिछि। भारत को विश्व लीडर भाबे देखितबा कहिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ଆଶା ପ୍ରତିଖରକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ବାତ୍ୟା ୟସ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଗୃହ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁନୀଲ ଭଗବାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ସାତଦିନିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 9ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ 4ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। 2 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ସହିତ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ 14 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କମିଟିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଖସଡ଼ା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ କମିଟି। ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲା ଟ୍ୱିଟର, ସକାଳେ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ହଟାଇଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ହଟାଇ ଭାରତରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ଟ୍ୱିଟର, ଆଉ ଶେଷରେ ପୁଣି ଦେଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ଟିକ୍। ସେପଟେ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଶେଷ ଚେତାବନୀ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହି ଶେଷ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ ଦେଶର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରିଣାମ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବେ ବୋଲି ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଟ୍ୱିଟର।
सोशल मीडिया प्लाटफर्म ट्विटर को शेष चेतावनी शेष नोटिस जारी कला केन्द्र आईटी मंत्रालय अनुपालन करिबाक पड़िबो भारत सरकारकर नुआ सोशल मीडिया नियम नचेत आईन अनुसार भोगिबाक पड़िबो परिणाम समस्त सोशल मीडिया प्लाटफर्म सरकारकर नियम मानुथबा बेले अमानिया हेउछि ट्विटर आउ एणिकी बर्दाश्त कराजिबनी एहार मनमानी माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लाटफर्म को केन्द्र आईटी मंत्रालय शेष चेतावनी शेष सुजोग एही शेष सुजोग सद्व्यवहार नकले देशर आईन अनुजाई भोगिबाक पड़िबो परिणाम गत फेब्रुवारी मासरे भारत में सक्रिय सबु देशी विदेशी सोशल मीडिया प्लाटफर्म को नोटिस पठाइथिला केन्द्रर आईटी मंत्रालय देशर एकता और निरापत्ता सहित युजर्सक व्यक्तिगत तथ्य सुरक्षापाई प्रणयन होइथिबा नुआ सोशल मीडियार नियम को अनुपालन करिबाकु पड़िबो बोली सर्त रखिथिला नियम अनुसार सबु सोशल मीडिया रे जणे रेसिडेंट ग्रीवेंस अफिसर जणे चीफ कंप्लायंस अफिसर एवं जणे नोडल अफिसर नियुक्ति करिवे एहा व्यतीत आवश्यक स्थले कोनोसी विशेष मेसेज बा पोस्टर मूल्य स्पष्टीकर्तांकर बाबदरे सरकार को जणाइबे मीडिया प्लाटफर्म आहुरी किछि नियम मध्य करा जायथिला जहाकु मे 26 तारिख सुद्धा पालन करिबाकु समय दिया जायथिला समस्तंकु फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लाटफर्म गुड़िक सरकारकर नियम मानिबे बोली लिखित प्रतिश्रुति देइथिबा बेले आईन को अमान्य करि आसुछि ट्विटर एथिपाई जून 5 तारीख दिन केन्द्र आईटी मंत्रालय तरफ ट्विटर को शेष नोटिस पठा जाइथिला विभिन्न समय रे बारंबार चेतावनी दियागले मध्य सरकारक सह मुकाबिलामूलक परिस्थिति सृष्टि करि चलछि ट्विटर एहा मध्यरे माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूंक समेत अन्य केतेक विशिष्ट व्यक्तिक ट्विटर अकाउंट रु ब्लू टिक हटाइ सेगुडी को अनवेरिफाइड कैटेगरी रे रखिछि एही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तेबे जून 5 तारीख दिन आरएसएस मुख्य मोहन भागवत एवं उपराष्ट्रपति अकाउंट पुणि ब्लू टिक कैटेगरी को फेरी जना पड़ी आईटी मंत्रालय तरफ पठा जाइथिबा शेष नोटिस को जदि अमान्य करे तेबे आईटी एक्ट समेत इंडियन पेनल कोड रो विभिन्न दफा रे कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान सम्मुखीन होई पारे ट्विटर ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज आपण देखुछन दिनर बड़ खबर समय होइछ आउ एक ब्रेक रो पुणे स्वागत राजधानी आसी पहुंचुची खबर भुवनेश्वर तमांडो थाना अंचल रे अभावनीय घटना तमांडो थाना अंतर्गत गोहिरिया छक ट्राफिक कनेस्टेबल को धक्का दे चलीगला ट्रक हस्पिटाल नेवा बाटे कनेस्टेबल मृत्यु होता सूचना आसी पहुंचुची मृत कनेस्टेबल ना गौरांग पृष्टि होता जमापड़े पुलिस ए घटनार तदंत आरंभ कर बड़ खबर जहाँ बर्तमान आसी पहुंचुची राजधानी भुवनेश्वर भुवनेश्वर तमांडो थाना अंचल रे अभावनीय घटना तमांडो थाना अंतर्गत गोहिरिया छक ट्राफिक कनेस्टेबल को धक्का दे चलीगला ट्रक हस्पिटाल नेवा बाटे कनेस्टेबल मृत्यु होता जमापड़े मृत कनेस्टेबल ना गौरांग पृष्टि होता सूचना आसी पहुंचुची सेपटे पुलिस ए घटनार तदंत आरंभ कर बड़ खबर जहाँ राजधानी भुवनेश्वर बर्तमान आसी पहुंचुची दुर्घटन कनेस्टेबल गौरांग पृष्टि मृत्यु होबर बा घटना घटी गोहिरिया छक संतोष जेनाम प्रतिनिधि अच्छा अधिक सूचना संतोष केते घटी घटना ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚାବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ସାରିବା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ସାଇଡ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ତା ସହିତ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି କୁହାଯାଉଛି ଏ ଘଟଣା 8:30 ସମୟ ଭିତରେ ହବ ଏବଂ ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଗହିରିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିବା ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଲା ସେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ କି ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେ କନେଷ୍ଟବଳ ଗୌରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଟି ସିଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତମାଣ୍ଡ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ PCR ଯୋଗେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାର କିଛି ବାଟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସଚେତ ହେଇଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରକ୍ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ଦରକାର ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ହୁଏତ ଏ କଥାର ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା କିଭଳି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ ନା
गौरांग दृष्टि अन्यमनस्क थे कह असावधानता दुर्घटना घटला यह संपर्कित समस्त तथ्य आसंता सामना को आसो अपूर्व ओके बहुत बहुत धन्यवाद संतोष तेनाम प्रतिनिधि तमाम अपडेट देते राजधानी भुवनेश्वर अभावनीय घटना आसी पहुंचुची कनेस्टेबल गौरांग पृष्टि जहाँ मृत्यु एक दुर्घटन एक ट्रक पछपटू धक्का देता बेले सेपटे अधिक तदंत आरंभ कर कमिशनरेट पुलिस बालेश्वर जलेश्वर अंचल आसला लज्जाजनक घटना दुईज नाबालिका जड़े 62 वर्ष वृद्ध अशोधाचरण कर अभोग मृदुपानीय लोभ देखा दुई नाबालिका अशोधाचरण कर अभोग एने जलेश्वर थाना एतला नाबालिका पर लोके नयगढ़ जिला मांधातापुर उप डाकघरे कोर बैंकिंग सेवा उद्घाटित यार उद्घाटन करिसेंती नयगढ़ डाक मंडल अधीक्षक विजय कुमार साहू एहा द्वारा मांधातापुर उप डाकघर उपर निर्भर करुथबा 35 खंड ग्रामवासी अत्याधुनिक सेवा पाइपरिवे मांधातापुर उप डाकघरे कोर बैंकिंग सेवा आरंभ करबा दीर्घ दिन धरी दाबी होई आसुथला मांधातापुर ग्रामवासी एवं आंकुलाई युवक संघ एक क्षेत्र में विशेष भाव उद्यम करथिले शेषरे सेमानक दाबी पूर्ण होइथिबारु अंचल रे खुशीर माहौल देखबा मिलिछे समस्त रही बुलेटिन केट रखु नमस्कार।